हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है। रहना हम ऊपर लेके जाना, क्यों नहीं जाते? पता नहीं क्यों, क्या नाराजगी पड़ गई आपकी। यार हमारे चैनल को जैसा सब्सक्राइब करो और वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। आज की जोड़ी लेकर आए हैं अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लॉर्ड हनुमान जी की। लेकर आए हनुमान जी वाज मैरिड टू रावण्स नीज, पता नहीं ऐसा लिखा हुआ है। अभी देखते हैं कि क्या है इसमें सच्चाई। राज चैनल की वीडियो वो भी जाकर जरूर देखे। देखते हैं आज कड़ी चलिए। राम नाम की पुकार लगाते हुए बड़ी आसानी से विशाल संजीवनी पर्वत को उठाने वाले, अपनी पूंछ पर आग लगाकर पूरी लंका को जलाकर रावण के अहंकार को खाक करने वाले प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी। रामायण की कहानी जिसने भी सुनी है उसके मन में हनुमान जी के व्यक्तित्व की एक प्रतिमा बन चुकी है। हनुमान जी एक चिरंजीवी है जो कई युगों से इस संसार में धर्म का रक्षण कर रहे हैं। वो सर्व ज्ञानी है, शक्तिशाली है और एक ब्रह्मचारी की तरह अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहे कि हनुमान जी का एक ऐसा रूप भी है जो तंत्र विद्या से जुड़ा है, और रामायण के एक वर्जन के अनुसार हनुमान जी का विवाह रावण की भांजी से हुआ था, तो आपको कैसा लगेगा? क्या हनुमान जी के बारे में हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं वो सब गलत है? क्या हमारे मन में बसी हनुमान जी की छवि सच्चाई से बिल्कुल परे है? इन सवालों के जवाब हनुमान जी से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियों में छिपे हैं जिनके बारे में शायद आज भी ज्यादा लोग नहीं जानते। मैंने तो सुना ही नहीं कभी उनकी शादी भी हुई है। सदियों से रामायण के कई अलग अलग वर्जन हमारे सामने आते रहते हैं, और ऐसे ही एक वर्जन के अनुसार हनुमान जी कभी ब्रह्मचारी थे ही नहीं और उनका विवाह रावण की भांजी से हुआ था। विमल सूरी के लिखे रामायण के जैन वर्जन पद्मचरित के अनुसार हनुमान एक विद्याधर यानी सुपर नेचुरल बींग थे जिनका विवाह रावण की बहन चंद्रनका की बेटी से हुआ था। चंद्रनका का पति खड़शुना भी एक भयंकर राक्षस था जिसकी मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों हुई थी, और कहते हैं कि इस वजह से हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम से नाराज भी हुए थे। लेकिन फिर सच्चाई का साथ देते हुए वो श्री राम के कहने पर माँ सीता से मिलने लंका चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी पत्नी के मामा रावण को समझाने की बहुत कोशिश की और उनसे कहा कि वो अपनी जिद छोड़ दे और माँ सीता को मुक्त कर श्री राम के शरण में चले जाए। पर अहंकारी रावण ने उनकी बात नहीं मानी और हनुमान जी ने श्री राम की सेना में शामिल होकर अपने ही मामा ससुर के खिलाफ लड़ने का कठिन फैसला लिया। आर्टेरियम के साथ कोलैबोरेट करके हम आपके लिए लाए हैं रामलला जन्मभूमि मंदिर का हूबहू प्रतिरूप। इस हाई क्वालिटी प्रतिमा को बहुत बारीकी से तराशा गया है जो दो अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कीजिए और यूज कीजिए कूपन कोड RAZ10, इट इज RAAZ10 फॉर 10% डिस्काउंट। आप भी रामलला के उत्सव में भाग ले पाएंगे क्योंकि हर घर में श्री राम आएंगे। पांच दिशाओं में देख रहे पांच चेहरे, 15 आंखें 10 भुजाएं और हर एक हाथ में कुल्हाड़ी, गदा, त्रिशूल, तलवार जैसे अलग अलग अस्त्र लिए अपने पैरों के नीचे असुरों को रेंगते हुए खड़े पंचमुखी हनुमान जी। हनुमान जी के पंचमुखी रूप को उनका रौद्र रूप कहा जाता है, और इस रूप को धारण करने के पीछे रामायण के युद्ध की एक बड़ी दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। कृतिवास रामायण के अनुसार जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तब रावण ने देखा कि उसकी सेना श्री राम की सेना के हाथों परास्त हो रही थी। अपनी सेना की हालत देख रावण अपने भाई अहिरावण से मदद मांगने पहुंचा। अहिरावण एक मायावी राक्षस था जो माँ भवानी का भक्त था और तंत्र विद्या में माहिर था। अपने भाई की दुविधा समझकर उसने अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल कर श्री राम की सेना को एक गहरी निद्रा में सुला दिया और श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। जैसे ही हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने आगे बढ़े, अहिरावण बड़ा बनकर उनके सामने खड़ा हुआ और हनुमान जी और अहिरावण के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में जहां हनुमान जी अपने पूरे बल से अहिरावण का सामना कर रहे थे, वहीं अहिरावण माया का इस्तेमाल कर बार बार बच रहा था। बहुत देर तक चले युद्ध के बाद हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण ने पांच दिशाओं में पांच दिए जलाकर रखे थे।
दरअसल माँ भवानी की कड़ी तपस्या करने के बाद अहिरावन को एक वरदान मिला था, जिसके चलते जो शख्स ये पांचों दिए एक साथ बुझाएगा वही अहिरावन का वध कर पाएगा। और इसी कार्य को अंजाम देने के लिए हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिम्हा मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। अपने इस पंचमुखी रूप में आकर हनुमान जी ने पांचों दिशाओं के दीपक एक साथ बुझा दिए और अहिरावण का वध कर दिया। भारत के अलग अलग हिस्सों में पंचमुखी हनुमान जी के कई मंदिर है और माना जाता है कि अक्सर हनुमान जी के इस रूप की पूजा सिद्धि हासिल करने के लिए की जाती है, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की साधना करना बिल्कुल आसान नहीं है। पंचमुखी हनुमान या इस रूप में तांत्रिक फॉर्म में हनुमान जी का पूजा कर रहे हो, तब आप में वो ताकत भी होना चाहिए कि वो उग्र स्वरूप में जो हनुमान जी का होता है वो आप यू कैन टेक इट, वो बहुत भयंकर होता है, डर लगने से आपका नेगेटिव रिएक्शन हो जाएगा। हनुमान जी के पंचमुखी रूप को अक्सर तंत्र विद्या से जोड़ा जाता है और कई तांत्रिक टेक्स्ट जैसे विद्या नर्व तंत्र में इस रूप के महत्व को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। आज भी पंचमुखी हनुमान के मंदिरों में तांत्रिक तरीकों से हनुमान जी की पूजा की जाती है, जिसमे 14 दिन और 14 रात तक बिना रुके मंत्रों का जाप होता है। सेंट्रल अमेरिका के होंडुरस इलाके में हनुमान जी की खोई हुई नगरी है जो द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड के नाम से मशहूर है, एक ऐसा शहर जिसे हनुमान जी ने असुरों से बचाया था। रामायण के युद्ध कांड के अनुसार एक बार हनुमान जी को प्रभु श्री राम की सहायता करने पाताल लोक जाना पड़ा और कहा जाता है कि वहाँ उनकी मुलाकात पहली बार अपने पुत्र मकर ध्वज से हुई। मकर ध्वज पाताल लोक का पहरेदार हुआ करता था। जैसे ही हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश करने की कोशिश की, मकर ध्वज उनके सामने खड़ा हुआ और उनके बीच एक कड़ी जंग छिड़ गई। हनुमान जी जब भी मकर ध्वज पर वार करते वो उतनी ही ताकत से उन पर पलटवार करता। उसकी इस शक्ति को देख हनुमान जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा, तुम आखिर हो कौन? मकर ध्वज ने हनुमान जी को अपने जन्म की कहानी सुनाई। अगर आप भी ये कहानी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। मकर ध्वज की बात सुनते ही हनुमान जी समझ गए कि वो अपनी ही संतान से युद्ध कर रहे थे, लेकिन मकर ध्वज अपने कर्तव्य से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था और आखिरकार एक लंबी जंग के बाद हनुमान जी ने मकर ध्वज को परास्त कर दिया और पाताल लोक में प्रवेश किया। भावार्थ रामायण के युद्ध कांड में हनुमान जी और मकर ध्वज के इस मुलाकात के बारे में बताया गया है, लेकिन कुछ प्रचलित कहानियों के अनुसार पाताल लोक के राजा को हराने के बाद हनुमान जी ने मकर ध्वज को यहाँ का राजा घोषित कर दिया था। और लोगों का मानना है कि सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में बसा ला सियुदाद ब्लांका शहर कभी पाताल लोक का हिस्सा हुआ करता था और मकर ध्वज के यहाँ राज करने के बाद से उन्हें यहाँ एक भगवान की तरह पूजा जाने लगा, लेकिन आज ये शहर सिर्फ कुछ अवशेषों के रूप में मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब 2012 में इस शहर के आसपास के इलाकों पर खोज की तब उन्हें कई पुराने आर्टिफैक्ट्स मिले जो हजारों साल पुराने थे। इसी के साथ यहाँ एक वानर देवता की पुरानी मूर्ति भी पाई गई जो बिल्कुल हनुमान जी जैसे दिखती है। इन फाइंडिंग्स के बाद लोगों की मान्यता को और बढ़ावा मिला, लेकिन अमेरिकन ट्रैवलर और रिसर्चर थियोडोर मोंडे का ये कहना है कि ये शहर हनुमान जी का नहीं बल्कि मायन कल्चर के लोगों का है और यहाँ मिली मूर्ति हनुमान जी जैसी दिखने वाली किसी और देवता की है जिनकी पूजा ये लोग करते थे। अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हनुमान जी के बल और बुद्धि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब उनके इन गुणों पर देवताओं को संदेह होने लगा और उन्होंने तय किया कि वो हनुमान जी की परीक्षा लेंगे। रामायण के सुंदर कांड के अनुसार जब हनुमान जी श्री राम की आज्ञा पर लंका जा रहे थे तब उनकी मुलाकात सुरसा नाम की एक राक्षसी से हुई। जब हनुमान जी लंका जाने के लिए समुद्र पार कर रहे थे, सुरसा अचानक एक बड़े पर्वत की तरह उनके सामने प्रकट हुई। गहरी पीली आंखें, बड़े दांत और एक लंबा भयानक चेहरा लिए सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। उसने हनुमान जी से कहा, अगर तुम समुद्र पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे मुख से गुजरना होगा। हनुमान जी ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें उनका कार्य करने से ना रोके, लेकिन सुरसा उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने हनुमान जी से कह दिया कि उसे देवताओं का एक वरदान मिला है जिसके चलते जो भी ये समुद्र पार
करना चाहेगा उसे सुरसा के मुख से जाना ही पड़ेगा, और जैसे ही कोई भी उसके मुख में प्रवेश करता वो उसे खा जाती। ये सुनकर हनुमान जी ने मुस्कुराकर उससे पूछा, लेकिन क्या तुम मेरे पूरे शरीर को अपने मुख में समा पाओगी? और वो धीरे धीरे अपने शरीर का आकार बढ़ाने लगे। जैसे जैसे वो विशाल होते गए, सुरसा भी अपना मुख चौड़ा करने लगी जिससे वो उन्हें निगल सके। लेकिन फिर अचानक हनुमान जी ने अपने शरीर को एक चींटी की तरह छोटा कर दिया, और इससे पहले कि सुरसा कुछ समझ पाती वो उसके मुख में जाकर वापस बाहर भी आ गए। इस कहानी का एक अलग वर्जन भी है जिसमें कहा गया है कि हनुमान जी सुरसा के मुख में जाकर उसके कान से बाहर निकल गए थे। हनुमान जी का कौशल देख सुरसा दंग रह गई। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सुरसा दरअसल प्रजापति दक्ष की बेटी थी और नाग माता भी थी। अध्यात्म रामायण के अनुसार उसे देवलोक के देवताओं ने एक भयंकर राक्षसी बनकर हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। लेकिन इस घटना के बाद सुरसा समझ गई कि हनुमान जी जितने बलवान है उतने ही बुद्धिमान भी है। उसने अपना असली रूप धारण कर लिया और हनुमान जी को सारी हकीकत बताकर वो वापस लौट गए। वैसे तो दुनिया भर में हनुमान जी के लाखों करोड़ों भक्त हैं जो नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं। इंडिया के साथ ही साउथ ईस्ट एशिया में कई अलग अलग कंट्रीज में भी हनुमान जी का एक विशेष महत्व है। फिर भी हनुमान जी से ऐसी कई कहानियां जुड़ी है जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही कुछ और कहानियों को जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो तो यार देखा ही आप सबने हनुमान जी के बारे में, उनकी शादी के बारे में पता चला। लेकिन यार मुझे नहीं इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि रामायण देखी है ना, तो हनुमान जी की जो है वो भी हमने देखी है, मैंने देखी है, लेकिन उसमें भी कुछ इनकी शादी के बारे में नहीं बताया गया कि रावण की जो नीज थी ना उसके साथ इनकी शादी हुई हुई थी। और जब मतलब वो युद्ध हुआ था ना तो उससे पहले ही उनकी शादी हुई थी, तो भाई उनका कोई बेटा भी था। इस चीज़ का भी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतने मतलब कैसे हो सकता है यार, मुझे ना पता नहीं क्यों लग रहा कि ऐसा नहीं है। पता नहीं आप सब बताइएगा, क्योंकि मुझे क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं सुना कि उनकी शादी, क्योंकि उनकी शादी के बारे में कभी सुना ही नहीं है कि उनकी कभी शादी भी हुई थी। क्योंकि जब आपको पता है कि वो सारा युद्ध हो गया, उसके बाद भी जो राम जी है राम जी के साथ ही ना हनुमान जी है वो हमेशा रहते थे, उनके दरबार में ही रहते थे। अगर उनकी शादी हुई होती तो फिर वो अपनी वाइफ के पास रहते ना, ना के राम जी के पास, लेकिन वो तो उनके पास रहते थे। क्योंकि उनकी शादी का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया, तो इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। क्या आपको इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इस चीज़ का। मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहती, लेकिन इसमें उन्होंने बताया कि उनकी शादी रावण की नीज से हुई, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन रावण ने उसकी बात उनकी बात जो है ना वो नहीं मानी थी। तो इस वजह से फिर वो राम जी की सेना के साथ मिलकर उन्होंने ना उन पे हमला किया। तो ये सारा उन्होंने ना कितने ज़्यादा पावरफुल थे वो अभी आप सबको पता ही है, आप सबने रामायण देखी हुई है कि कितनी ज़्यादा हेल्प राम जी की उन्होंने की थी सीता जी को ढूंढने में, और फिर युद्ध में भी कितना ज़्यादा उनका साथ दिया था। उन्होंने तो पूरी लंका ही जो है ना वो जला दी थी अपनी पूंछ में, जब उनके रावण ने आग लगाई ना तो उन्होंने पूरी ही लंका ही जला के रख दी थी। फिर उनको उनके बल का पता चला था कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। तो यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है प्लीज़ बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।